तो जी आज मेरी पहली रसोई है हाथ पीले होने के बाद। अब स्टोरी ये है कि घर वालों की इच्छा पे, दादू की इच्छा पे मैंने कच्ची हल्दी की सब्जी बनाई है, उसको ग्रेट करने पे मेरे हो गया हाथ पीले। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि यार आज, अब मेरी टीम ही कह रही है कि आपकी पहली रसोई है हाथ पीले होने के बाद, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही शुरू कर लेते हैं वीडियो भी। और ये जो सब्जी बनेगी इतनी गुणकारी है, इतनी गुणकारी है पूछो ही मत। मतलब हल्दी है, हल्दी तो गुणकारी है ही ना, रंग संवारना है हल्दी, अगर कोई चोट वोट लग जाए तो हल्दी, और अगर कोई गला खराब है जो कुछ भी है तो हल्दी। तो हल्दी की सब्जी आफ्टर इंट्रो, बट इंट्रो से पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सेंटर में आती रहे। और हमारे फेसबुक और इंस्टा के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। तो जी मैंने टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट के रखे हुए थे, एक टमाटर बच गया उसको काट लेता हूँ। आप तब तक टमाटर कटने का सिनेमैटिक देखिए, उसके बाद हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तो सब्जी शुरू करने के लिए हमने कढ़ाई के नीचे आग लगा ली है, कढ़ाई को कर लिया गर्म, उसके अंदर घी, केव और नेवा। अब घी गर्म होने देते हैं, तब तक मैं आपको हल्दी के बारे में बता देता हूँ। हल्दी आपको ना कच्ची हल्दी के फॉर्म में मिल जाएगी सर्दियों में, और ऐसे रूट फॉर्म में मिलेगी, उसको छील लीजिए, मैंने ये छील रखी है, उसके बाद ग्रेट करूँगा। तो ये हल्दी की सब्जी ना मेरे दादू ने बोला था कि ये दिखानी है, और दादू के चक्कर में ना मेरे हाथ पीले हो चुके हैं। मेरे दादू, मेरे घर वाले तो चाहते ही है कि मेरे हाथ पीले जल्दी हुए, तो ये उन्होंने आज हल्दी के बहाने से मेरे हाथ पीले करा दिए। तो हल्दी ग्रेट हो चुकी है, घी भी गर्म हो चुका है, उसमें जाएंगे जीरा और धनिया। इसमें खड़े मसाले आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास राई पड़ी है, राई डाल सकते हैं। अगर आपके पास हींग है तो हींग तो डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली अदरक और लहसुन डालूंगा, इसलिए हींग नहीं डालूंगा। अब हमारे खड़े मसाले भी क्रैकल हो चुके हैं, तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पक गए हैं, इसके अंदर प्याज। अब इस रेसिपी में मसाले को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाला जैसे जैसे घी छोड़ेगा और बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। जैसे ही अनियन हल्के से ब्राउन होने लग जाए, गैस करना है स्लो, और इसमें सिर्फ नाम भर की लाल मिर्च रंग सुधारने के लिए। हल्दी डालेंगे नहीं, क्योंकि हल्दी तो हमारे पास सब्जी में है ना। जैसे ही लाल मिर्च पक जाए, उसके अंदर टमाटर डालते ही सॉल्ट, और अब टमाटर की अच्छी तरह भुनाई करनी है। इसको ढक के पकाएंगे स्लो आंच पे लगभग 5 से 10 मिनट। तो जी 10 मिनट हो गए इसको भुनते हुए और बहुत ही प्यारा भुन चुका है ये। अब इसमें हल्का सा पानी है, आपने पूरा पानी नहीं सुखाना, हल्का सा पानी रखना है, क्योंकि ना जब आप हल्दी डालेंगे, हल्दी में थोड़ा पानी कम होता है, तो हल्दी जाएगी तो शायद नीचे लगे, उसके चांसेस है नीचे लगने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा पानी रखिए। हल्दी डालने के बाद थोड़ी देर चलाना है और भूनना अच्छी तरह है, क्योंकि भूनने से जाएगी इसकी बिटरनेस, इसके अंदर हल्की सी बिटरनेस है वो जाएगी, तभी आपकी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। सब्जी बस हमारी डन होने वाली, तो तब तक धनिया काट लेते हैं। सब्जी हमारी डन है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और धनिया, इसको एक फाइनल मिक्स, और उसके बाद मिलते हैं प्लेटिंग के बाद।
जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब आपके पास इतनी गुणकारी सब्जी है, रेसिपी है तो रेसिपी ट्राई कीजिए, फोटो डालिए फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।